मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है, तो उत्तर में बाबा समझाते कि सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलते बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। और बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी, निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे कहते हैं कि बच्चे बाप को नमस्ते करें, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं कि मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं और यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। तो गाया भी हुआ है कि निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना कि कैसे निराकारी है, है ना। तो पापा कहते क्योंकि मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ, तो यही एग्जाम्पल है निराकारी निरहंकारी होने की। पापा कहते वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकिलदे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं कि मीचे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं कि बाप आया हुआ है और सारी सृष्टि की बेहद सेवा करने के लिए। तो सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर यानी कि प्यार और उमंग से आते हैं, जानते हैं कि मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं कि सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना, उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा नवयुग और पुराना युग, तो युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सत्ययुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं कि प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं हैं, कराते हैं, तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते कि कौन सा भगवान। व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए, तो यह प्राचीन हुई।
अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं। वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है, तब मंगाते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं कि 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो ये धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता? इस समय तो सभी धर्म हैं। सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डालना मुश्किलात कर दी है। बच्चे का नाम डाल के क्या कर दी है? मुश्किलात कर दी है। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है, और शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब सभी धर्म ना हो, यह भी समझ की बात है ना। तो सत्युग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना, बाप तो सलाम तो करेंगे ना। तो बाप फिर से आकर सलाम करते हैं किसको? बच्चों को, और बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहां मिले? यहां तो कोई मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही आएंगे, तो सब भक्त कब और कहां मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं कि मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। ये काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने ये सब कैसे समझें? आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुबजाएं, अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती? हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है, तो भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने, तो हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नरक थोड़ी रचेगा। नरक की स्थापना रावण करते हैं और स्वर्ग की स्थापना बाप करते। उनका राइट नाम शिव ही है, शिव अर्थात बिंदी। आत्मा ही बिंदी है ना, स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़े की आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं, आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे कि लिंग रूप है, अंगुष्ट आकार है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ ही नहीं सकते। तो अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। बाबा कहते वहीं पर तो भेज देंगे तुम सबको, खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं कि शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं कि सुख कागविष्टा समान है,
गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं कि सुख कागविष्ठा समान है, तो उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा ना सके। बाप कहते हैं सन्यास दो प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं कि पहले पहले मैं अपनी स्त्री यानी कि साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं कि मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते, एक की बात तो है नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं, सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे और फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर ले जाते हैं और फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है और फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए कि सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर से सबको आना है। सतो रजोतमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं बाप ही आ गया है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है कि नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, यह तो जानते हैं कि सब एक जैसे होशियार तो नहीं हैं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए कि मैं नई हूं, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे। मेरे से तीखे और हैं, क्लास में नंबरवार होते हैं ना, तो देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है, रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो कहते हैं बीके तो है, पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। तो बाबा भी कहते हैं ना कि हम ऊपर से पूछेंगे, तो पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे। तो उनको कहना चाहिए कि मैं सीख रही हूँ, माफ करिए,
आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, और किनो की शेर पर सवारी भी है, तो शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी दे, शेर तीखा होता है, शक्तियों की शेर पर सवारी है। और तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं कि पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया वह सिद्ध करके बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वह समझते हैं कि गॉड गॉडेज अलग है, ईश्वर अलग है। तो लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है, वह तो है देवी देवताएं, वो भगवान नहीं है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, तो समझ भी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। और सेकंड पॉइंट है, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने ग्रस्त व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। बाबा ने वरदान दिया कि संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के रहने और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, तो उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।